नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड हेल्प डेस्क को किया गया स्थापित। बाहर से आने वाले यात्रियों का किया जा रहा है कोविड जांच। लोगों को मास्क लगाने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। पूरे देश और दुनिया में खुशियों और उल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। मसीही समाज के लोगों ने चर्च में की प्रार्थना, एक दूसरे को केक खिलाकर कहा मेरी क्रिसमस, कहा सभी लोगों की गलतियों को अपने अंदर समाहित कर प्रभु यीशु ने समाज को दिया एकता का संदेश। सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व MLC विनोद पांडे ने कहा पोखरण परमाणु परीक्षण कर देश को शक्तिशाली बनाने में अटल जी का रहा है बहुत बड़ा योगदान। सेंटा का नहीं संतों का देश है भारत। बच्चों को कार्टून सेंटा के रूप में बनाने का कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा अनादिकाल से संत परंपरा का वाहक रहा है भारत। बच्चों के परिवार वालों से की अपील, अपने बाल बच्चों को भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शहीद भगत सिंह आदि बनाए, ना कि सेंटा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कुछ आश्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कुछ रोगियों में फल व मिष्ठान वितरण कर मनाया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश सीनियर महिला पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ समापन। विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व नगद धनराशि देकर किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। जनपद के कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया गया, जिसके संबंध में परिवहन निगम रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया कि देश में एक बार फिर कोविड के नए वेरिएंट को देखने को मिला है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर कोविड हेल्प डेस्क को स्थापित किया गया है। बस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिकारियों का निःशुल्क जांच किया जा रहा है। इसके अलावा बस में बैठने वाले यात्रियों को लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सभी से अपील किया जा रहा है कि बस में बैठते समय मास्क लगाकर बैठें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने कहा और सेंट्राइज का
सहयोग करते रहे। धन्यवाद। स्टेशन के अंदर इंक्वायरी ऑफिस के पास उपस्थित होकर अपने अपने कोरोना का निःशुल्क जांच करा लें। सरकार द्वारा निःशुल्क कैंप लगा हुआ है, आप लोग इंक्वायरी ऑफिस के पास उपस्थित होकर अपने अपने कोरोना की जांच अवश्य कराएं। मास्क लगाकर ही यात्रा करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। यह समस्त यात्री बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग इंक्वायरी ऑफिस के पास कोरोना का कैंप लगा हुआ है, आप लोग इंक्वायरी ऑफिस के पास उपस्थित होकर अपने अपने कोरोना का टेस्ट निशुल्क सेवा से करा लें। महेश चंद, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, रोडवेज गोरखपुर। ऐसा इधर देश में प्रदेश में कोविड की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा बस स्टेशन पर 8 बजे सवेरे से 8 बजे रात तक 2 पालियों में कोविड हेल्प डेस्क बना दिया है, जहां कर्मचारियों का यात्रियों का सब निशुल्क जांच हो रहा है। अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, जगह जगह बैनर लगवाएं, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा कि सब लोग मास्क लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार भी हो रहा है, उसका असर पड़ रहा है। जागरूक किया जा रहा, बस में पहले भी था, अभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पूरे देश और दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु के जन्म का उत्साह मसीही समाज के लोगों के साथ आमजन के अंदर भी दिखा। क्रिसमस के त्यौहार को लेकर सप्ताह भर पूर्व से विभिन्न आयोजन चला। चर्च को सजाने के साथ प्रभु यीशु के जन्म का इंतजार पूरा हो गया। शनिवार की रात 12 बजते ही मसीही समाज के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस मनाया तथा ईसाई समाज देर रात चर्च में जुटे और प्रार्थना की। पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे और बुजुर्ग भी इस अवसर पर प्रार्थना किए। आपको बता दें कि सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ और शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च पर शनिवार की देर रात 12 बजे के बाद प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। मसीही समाज के लोगों ने प्रार्थना सभा में एक साथ सम्मिलित होकर देश और दुनिया में शांति, खुशहाली और एकता का संदेश दिया, जिसके संबंध में सेंट जोसेफ चर्च के फादर बीनी ने बताया कि प्रभु यीशु के जन्म के बाद मसीही समाज के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी तथा समाज के लोगों ने चर्च में प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु का जन्म केवल मसीह समाज के लोगों के कल्याण के लिए नहीं हुआ, हर धर्म और समाज के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ। बाइबल में इसका वर्णन है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो मानव का कल्याण होता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इसलिए धरती पर हम लोगों के बीच भेजा, जिसने भी उनके सत्य के मार्ग का अनुसरण किया उसका नाश होने से बच गया। प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ तभी से पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी लोगों की गलतियों को अपने अंदर समाहित कर प्रभु यीशु ने समाज को एकता का संदेश दिया है। वे लोग हर साल प्रभु यीशु के जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर वे लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं और अपने घरों को साफ सुथरा करके रोशनी करते हैं। इसके साथ ही चर्च में प्रार्थना भी की जाती है, जिससे देश दुनिया में एकता और शांति का संदेश जाए। मुंबई से आई हुई मसीही समाज की महिला एंजिला खुराना ने बताया कि वर्ष भर हम लोगों को क्रिसमस के त्यौहार का इंतजार रहता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हम लोगों के बीच भेजा। 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन को वे लोग क्रिसमस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। देर रात प्रार्थना की जाती है, एक दूसरे को केक खिलाया जाता है, कैरल सॉन्ग गाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मसीही समाज की महिला आयुषी अनन्या एवं डॉक्टर तुलिका मिश्रा और फादर संतोष सुभाष क्राइस्ट चर्च के पुरोहित जी आर लाल तथा सेंट जोसेफ चर्च के फादर बेनी ने कहा, आज के दिन ईश्वर हमसे ये चाहते हैं कि तुम आनंद मनाओ। लेट्स सेलिब्रेट दिस डे, बी जॉयफुल and be in happiness. आनंद का ही संदेश है क्रिसमस का संदेश। कभी हम देखते हैं
अपने चारों तरफ आनंद का अनुभव कम लोग करते हैं, और जितने भी लोग इस आनंद का अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, वो अलग तरीके से उसका अनुभव लेते हैं, और वो अलग तरीका क्रिसमस का तरीका नहीं है। वो किस तरीके से हम अपना आनंद मनाते हैं, वो पहला क्रिसमस के दिन हम देखते हैं चरणी में, वहां सब लोग एक साथ आकर आनंद मनाते हैं। वहां सब कुछ है, स्वर्ग और धरती मिल जाते हैं, वहां फरिश्ता है, इंसान है, वहां राजा है, गडेरिया है, अमीर है, गरीब है, जानवर है, इंसान है, सब लोग एक साथ आकर आनंद मनाते हैं। हम आनंद मनाए, ये आनंद किसी दूसरे के साथ बांट कर मनाए, ये आनंद कभी सीमाबद्ध ना हो, हमारे आनंद लोगों के साथ हो, उस तरीके से हम आनंद मनाए। दुख होते हैं, दुखी होते हैं, या भागीदार बनते हैं, वहां हमारे अंदर इंसानियत आ जाते हैं। क्रिसमस मनाएंगे हम इंसानियत को कभी ना खो बैठे, हमारे अंदर हमेशा इंसानियत Church, they will prepare the people to encounter Christ who is born on this day. Our response, Lord, hear our prayers. We pray for all Christians. Hear our prayers. We pray for the leaders of the world that by drawing inspiration from living their life in a gloomy situation, let them all experience the consolation from the Lord. Merry Christmas. Merry Christmas. Lot manage karana. Okay. Jesus come here. Jesus. Ek sakra, bachon ka sakra le. मेरा नाम एंड्रिया खुराना है और मैं मुंबई से हूँ।
Christmas, everybody, please spread peace, love and joy. Thank you. आज के दिन क्या होता है? आज के दिन हम लोग जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं एंड एक दूसरे को विश करते हैं और मिलजुल के फैमिली के साथ रहते हैं और प्रार्थना करते हैं. हाँ, बस यही करते हैं. भगवान यीशु के बारे में थोड़ा बताइए. भगवान यीशु के बारे में, भगवान यीशु के बारे में सब लोग जानते हैं. क्रिश्चियनिटी के भगवान हैं. हम लोगों को प्यार सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना सिखाते हैं और हाँ, मतलब एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते हैं. आई थिंक क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक अच्छा पहलू ये है कि हम लोग दूसरों की भी मदद करते हैं और यू नो इवन सिक्स आर लाइक दैट, जो दूसरों की भी मदद करते हैं, विच इज़ समथिंग जो हम लोगों को सिखाया जाता है बचपन से. सो या आप भी यू नो जहाँ जिसकी मदद आप कर सको करो, चाहे वो इंसान हो या जानवर. प्यार मोहब्बत से रहें, दुनिया बेटर जगह रहेगी. डॉक्टर तुलिका मिश्रा. मेरी क्रिसमस टू एवरी वन एंड एज फादर सेड एंड वी ऑल नो दैट वी शुड स्प्रेड लव एंड हारमोनी एंड पीस एंड अमंग अदर रिलीजन ऑल्सो. आप और लोग से पूछ लीजिए. मैं सबको वही, बस यही है कि सब लोग मिल के रहें और कोई हारमोनी अपनी बना के रखें, यही कहना चाहता हूँ. माई नेम इज़ आयुषी. Is celebrated on every 25th December. Especially this is the main festival of the Christians and every religion peoples used to come on the church and we wish the fathers and the other peoples, and this is the very lovely occasion. We meet our friends and because of this we get New Year leaves and all, and one of the most important festival. Thank you. Ananya. Christmas is celebrated every 25th of December on occasion of birth of Jesus Christ. Jesus Christ was the one who started the new religion which came to be known as Christianity. He had 12 apostles and one of the apostles was Carmel, also one of the apostles. We have studied from there. So that is why we come every year, even we don't follow the religion, but because we love all of them. So we come to St. Joseph's every year in the morning. We try to take part in the morning prayer also, but today I couldn't make it because I got up late, but still I was able to meet a lot of people over here, my teachers, my fellow mates and the father, as well as our principal who was Sister Salita, and it was a very good day. Thank you. Father Santosh Sebastian, Catholic Dharma Prand, Gorakhpur. Kar, Happy Christmas. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. प्रिय भाई बहनों, जैसे हम सब जानते हैं 25 दिसंबर समस्त संसार में क्रिसमस पर्व के रूप में मनाए जाते हैं. क्रिसमस पर्व का अर्थ है ईश्वर इंसान बनकर, मानव बनकर हमारे बीच में निवास किया, ताकि हमें ईश्वरीय और स्वर्गीय शांति, प्रेम और जीवन प्राप्त हो. पाप से दूर होकर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इंसानियत को, मानवता को बढ़ावा देकर ऐसे एक जीवन शैली अपनाए, ऐसी एक जीवन शैली का जो प्रोत्साहन दे, जिससे हमारे समाज में, देश में, समस्त संसार में शांति और एकता और प्रेम बनाए रखे. और आज के इस दिन ईसाई लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, इस संसार के लिए, और विशेषकर हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि ईश्वर ने मानवता को, इंसानियत को इज्जत किया है और पाप से हमें बचाने के लिए, हमारे कमजोरियों से हमें बचाने के लिए हमारे साथ हमारे जीवन का अंग बनकर आते हैं. आइए इस अवसर को हम लोग अपने मातृभूमि भारत, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश और समस्त संसार के लिए प्रार्थना करने का, और इस हमारे प्रिय मातृभूमि में हमेशा प्रगति, एकता और भाईचारा बना रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करें, दुआ करें. करुणामय बनाने के लिए ईश्वर हमारे पास आते हैं इंसान बनकर.
सबसे पहले ईश्वर को बसना है हमारे दिल में। जब हमारे दिल में, दिमाग में ईश्वर की उपस्थिति है, तो हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर और करुणा का हो जाता है। क्रिसमस न केवल ईसाइयों का पर्व है, बल्कि ये समस्त संसार का और समस्त मानव जाति का विरासत है। इस पर हम लोग खुशी से गर्व करते हैं और इस संदेश को हमारे जीवन में उतारने के लिए ईश्वर की शक्ति और कृपा हम लोग मांगते हैं। आप सबको ईश्वर आशीर्वाद दे। विशेष रूप से हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो भी बीमार है, लाचार है, उनकी प्रगति और उन्नति और उनकी चंगाई के लिए समर्पित होने के लिए हम सब एक फैसला भी आज करें, और ईश्वर की कृपा से ये सब संभव है। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मेरा नाम गगन दिया लाल है। मैं क्राइस्ट चर्च, जो कि शास्त्री चौक गोरखपुर में स्थित है, उसका प्रभारी पुरोहित हूँ। देखिए, आज हम क्रिसमस डे ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं, और हम ही नहीं बल्कि सारे विश्व में आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में, क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के बताए गए उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। चर्च में सर्विस होती है, जिसमें से सबसे बढ़िया जो उनका शिक्षा थी वो थी आपस में प्रेम करना और क्षमा करने की। इसके बारे में हम देते, मतलब सारे जो लोग आते हैं बताते हैं, आपसी प्रेम को बांटते हैं, केक और मिठाइयाँ और पकवान एक दूसरे को वितरित करके खिला के इस खुशी को ऑब्जर्व करते हैं, और साथ ही साथ उस उद्देश्य को भी बताते हैं जिस उद्देश्य के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ था और मानव स्वरूप उन्होंने धारण किया था। वो ये है कि मनुष्य जाति जो पाप के अंधकार में डूबी हुई थी और जिसके बचने की कोई संभावना नहीं थी, जिसका परमेश्वर से वियोग हो गया था और वो दूरी हो गई थी हमारे पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और मनुष्य जाति ने जो पाप किया उसके कारण हमारा उनका संबंध जो टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए और हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर उठा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण के बलिदान के द्वारा हमारे पापों का, सारे मानव जाति के पापों का दंड जो अपने ऊपर ले लिया, और वो तीसरे दिन जीवित हो गया, परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, और एक समय आएगा जब वो आएंगे दोबारा इस संसार के अनंत सृष्टि के अंत में, जब वो हमारे कार्यों के अनुसार, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, लेखा लेंगे, नया सिंहासन पर विराजमान होंगे, और हमारे कार्यों के अनुसार जो हमने अपने मनुष्य के जीवन काल में किए हैं, हमको उसका प्रतिफल दंड के रूप में जो नरक है, या पुरस्कार के रूप में जो स्वर्गीय जीवन और अनंत काल के जीवन में वो मिल पाएगा। तो मैं आज दिन सभी सारे श्रोताओं को या जो आपके वाइट को चैनल को देख रहे हैं, उनको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज क्रिसमस का दिन है, प्रभु येसु के जन्मोत्सव सारे विश्व में सभी लोग मना रहे हैं, और इस पावन अवसर पर प्रभु येसु के शांति का, उनके स्नेह का, उनका प्रेम का संदेश मैं आप सबों को देता हूँ। आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी बधाइयाँ हो। हैप्पी क्रिसमस टू एवरी वन ऑफ यू। प्रार्थना के बाद भी कुछ लोग यहाँ पे जी, यहाँ पे लोग आते हैं किस तरह का एंजॉय करते हैं? अभी आज तो सब लोग आते हैं मिलने के लिए, अपनी बधाइयाँ देने के लिए, एक दूसरे को विश करने के लिए आते हैं, और शाम को कुछ लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उसके आनंद लेने के लिए शहर के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग सब अमन शांति से रहे, कि एक दूसरे के साथ इंसानियत की भावना जो प्रभु यीशु ने सबों को दिया है, वही इंसानियत की भावना, भाईचारे की भावना के साथ मिलजुल करके खुशी के साथ रहे और एक दूसरे से प्यार की संदेश बांटते रहे, यही संदेश है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बेनीगंज स्थित भाजपा महानगर पार्टी कार्यालय पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, तथा साथ ही एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसके संबंध में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व MLC विनोद पांडे ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि जो आज विचारधारा है, उस विचारधारा को पूरे देश में मुकाम तक पहुँचाने के लिए अटल जी ने अपना पूरा जीवन
निछावर किया। अटल जी एक युग पुरुष थे। अटल जी ने अपने जीवन का संरक्षण और शरीर का कण कण देश को समर्पित कर देने वाले राजनीति के संत थे। हमें अटल जी के विचारों व आदर्शों पर चलने के साथ साथ उनके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि अटल जी का देश को शक्तिशाली बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पोखरण परमाणु परीक्षण से भारत को शक्तिशाली बनाया, यही उनकी देन है। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री देवी श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, रमेश प्रताप गुप्ता, डॉक्टर गिरीश पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व MLC विनोद पांडे ने कहा, विधान परिषद सदस्य माननीय विनोद पांडे जी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे आदरणीय राजेश गुप्ता जी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का समिति सदस्य हैं। 1996 में, 1998 में और 1999 में तीन बार उनको सौभाग्य मिला है भारत के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने देश का 4.5 साल कर लिया। 1999 से 2004 के बीच में उन्होंने देश का है माननीय अटल बिहारी अमर रहे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। अभी पंचासीन नेता जो है देश में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, राजेश गुप्ता से मैं निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विनोद पांडे जी को है। इसी को भारत के महामंत्री जो है श्री राष्ट्र की रानी, अरे युद्ध बड़ी बात है, जो उपाध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर गिरिजेंद्र पांडे से मैं आग्रह करता हूँ आज आए माननीय मित्रों। अगर अटल, हमें समय बहुत कम मिला है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूँ, अटल जी का जन्मदिवस है। अटल जी के अगर जन्मदिन, अटल जी के अगर पूरे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक भाग से पढ़ेंगे तो उनके प्रति अन्याय होगा। के पटु और विशाल व्यक्तित्व, मृदुभाषी, तो ये दोनों में हमको मिलेगा, संगठन के रूप में भी। देखिए पार्टी स्वर्गीय सदी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, और जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा को पूरे देश में ग्राह बनाने का, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अटल जी ने अपना पूरा जीवन पूर्ण किया। प्रधानमंत्री भी एक बार तो 13 दिन के लिए बने, लेकिन दो बार वो, एक बार 13 महीना और दो बार 5 साल का, 4.5 साल का कार्यकाल मिला। और जो कुछ भी उन्होंने किया, जिस रूप में अटल जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, वो आजाद शत्रु थे। पूरे देश में किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, हर आदमी अटल जी को उतना ही प्यार करता था जितना हम लोग अटल जी को प्यार करते थे। सबके प्यारे थे पूरे देश के, और पूरी दुनिया में उनका नाम था। और साथ इस देश में जो कुछ भी जिस रूप में अटल जी को देखा है, अटल जी की प्रेरणा पर यह पार्टी आगे भी, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में पूर्व योगी जी महाराज इस उसी रास्ते पर लेकर के पार्टी को चल रहे हैं। और निश्चित रूप से सुशासन लाने का जो दायित्व हिंदुस्तान की जनता ने और प्रदेश की जनता ने हमारे नेताओं के कंधे पर दिए है, उसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा कार्यकर्ताओं को यही निर्देश पहले से भी दिया जाता है, आज भी दिया जाता है कि हर कार्यकर्ता जनता के हितों की रक्षा के लिए या जनता की सेवा करने के लिए जितना कुछ कर सकता है उसे लगातार करते रहना चाहिए। और आसन्न चुनाव में हम फिर से इतिहास रचेंगे हिंदुस्तान की राजनीति में, और उत्तर प्रदेश का उस इतिहास में सबसे बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए कार्यकर्ता पूरे प्राण पर से जुटे, यही हमारा उनके लिए संदेश है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर।
कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड हेल्प डेस्क को किया गया स्थापित। बाहर से आने वाले यात्रियों का किया जा रहा है कोविड जांच। लोगों को मास्क लगाने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। पूरे देश और दुनिया में खुशियों और उल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। मसीही समाज के लोगों ने चर्च में की प्रार्थना, एक दूसरे को केक खिलाकर कहा मेरी क्रिसमस, कहा सभी लोगों की गलतियों को अपने अंदर समाहित कर प्रभु यीशु ने समाज को दिया एकता का संदेश। सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व MLC विनोद पांडे ने कहा पोखरण परमाणु परीक्षण कर देश को शक्तिशाली बनाने में अटल जी का रहा है बहुत बड़ा योगदान। सेंटा का नहीं संतों का देश है भारत। बच्चों को कार्टून सेंटा के रूप में बनाने का कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा अनादिकाल से संत परंपरा का वाहक रहा है भारत। बच्चों के परिवार वालों से की अपील, अपने बाल बच्चों को भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शहीद भगत सिंह आदि बनाए ना कि सेंटा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कुछ आश्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कुछ रोगियों में फल व मिष्ठान वितरण कर मनाया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश सीनियर महिला पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ समापन। विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व नगद धनराशि देकर किया सम्मानित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत सेंटा का नहीं संतों का देश है। अनादिकाल से भारत संत परंपरा का वाहक रहा है। भारत के विद्यालय में संत शास्त्र और साहस की शिक्षा देते थे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों में संस्कार की भावना उत्पन्न होती थी। पाश्चात्य संस्कृति के आने के बाद और मिशनरियों की चाल की वजह से आज विद्यालयों में बच्चों को कार्टून संता के रूप में बनाया जा रहा है। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। इससे घर घर में क्रिश्चियनिटी को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बच्चों के परिवार वालों से अपील करते हुए कहा कि अपने बाल बच्चों को भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शहीद भगत सिंह आदि बनाए ना कि संता जैसे लोगों को बनाए जो कि ना तो हमारे देश से संबंधित है और ना ही संस्कृति से संबंधित है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती विद्यालय वाले बच्चों को संता बनाने की कोशिश करेंगे तो कड़े शब्दों में विरोध और निंदा की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा दुर्गेश त्रिपाठी भारत सांता का नहीं संतों का देश है। अनादिकाल से भारत संत परंपरा का वाहक रहा है। भारत के विद्यालयों में संत शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते थे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों में संस्कार की भावना उत्पन्न होती थी। पाश्चात्य संस्कृति के आने के बाद और मिशनरियों की चाल की वजह से आज विद्यालयों में ये जो बच्चों को कार्टून संता के रूप में बिना बनाया जा रहा है इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं मैं। इससे घर घर में क्रिश्चियनिटी को पहुंचाने का एक कुशित प्रयास किया जा रहा है जिसको आगे चल करके ये कन्वर्जन के रूप में किया जा सकता है। इसलिए मैं आज अनुरोध करता हूं उन परिवार वालों से कि अपने बाल बच्चों को राम, कृष्ण, भगत सिंह आदि बनाए ना कि संता जैसे लोगों को बनाए जो कि हमारे ना देश से संबंधित है ना हमारी संस्कृति से संबंधित है। जो इनके फॉलोअर हैं, जो इनको मानते हैं, वो बने, वो करें, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जबरदस्ती विद्यालय वाले हमारे बच्चों को इस तरह के संता और इस तरह के चीजों को बनाकर अगर करेंगे तो उनके कड़े शब्दों में विरोध और निंदा की जाएगी। साथ ही मैं उन विद्यालयों से भी अनुरोध करता हूँ जो मिशनरी विद्यालय नहीं है
लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के, मिशनरियों के प्रभाव में आकर के ये ऐसे त्योहारों को अपने स्कूल में मनाते हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वो संत परंपरा के वाहक बने, वो संस्कृति के वाहक बने, ताकि बच्चों में संस्कार जाए, न कि ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे घरों में आए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने कुष्ठ आश्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कुष्ठ रोगियों में फल व मिष्ठान का वितरण किया, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हर वर्ष कुष्ठ रोगियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों व उनके बच्चों के साथ मनाया जाता है। सभी कुष्ठ रोगियों को प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया है, क्योंकि जो कार्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सेवा कार्य शुरू किया था, भाजपा के कार्यकर्ताओं व संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग करते चले आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हम लोग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कुष्ठ रोगियों के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर हरिप्रकाश मिश्र, विष्णुकांत, निखिल, वीरेंद्र शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, पिताजी के समय टूट गया तो कहते थे कि जब नया बना करके लगा देने के लिए युवा के नया बंद लगा कर बना रहे ये जयंती तो आज है और मैं समझ रहा हूँ कि जब वो थे तब भी और आज नहीं है तो भी भारत रत्न यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, कुष्ठ रोगी मित्रों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, उनके बच्चों के साथ चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। यहाँ हमारे हरिप्रकाश मिश्र जी, विष्णुकांत जी, निखिल जी, निकेत जी और वीरेंद्र शाही जी, सभी के सभी लोग रहते हैं, तो उन लोगों के साथ मिलकर के पूरा व्यवस्था भी वो लोग देखते हैं, हमेशा वो व्यवस्था देखते हैं। यहाँ अब उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी मिल चुका है, तो आज ये मैं मान करके चलता हूँ कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेवा का शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ, हम सब लोग वो करते हैं और आज उसी क्रम में हम लोग यहाँ इन कुष्ठ रोगी मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन
मना रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेशीय सीनियर महिला पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रदेशीय जूनियर बालक बालिका एथलीट प्रतियोगिता के विभिन्न इवेंट के विजेताओं को प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को प्रशस्ति पत्र व 1,000 धनराशि, द्वितीय स्थान पाने वाले को 800 रुपये, तृतीय स्थान पाने वाले को 600 रुपये नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश में भाईचारे के प्रमुख व राष्ट्र के निर्माण के अधीनता थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए, देश में सभी द्वेष और विभिन्नता को दूर करने के लिए मानव दर्शन की स्थापना की थी। आज उनके विचारों की सरकार है। पंडित दीनदयाल का युवाओं से विशेष लगाव रहता था, उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें सभी युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया है और अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय अधिकारी आले हैदर, उप क्रीड़ा अधिकारी नफीस अहमद, सत्येंद्र सिंह, अशोक कुमार शाही, शमशाद निसार, सत्येंद्र कुमार, संजय पाल, जगदीश पटेल, दिनेश पाल, सोनू सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, याद में पैगाम लिखा करता हूँ, आंखों से मैं तेरा नाम लिखा करता हूँ, तेरी याद में लिखा करता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही बड़ी हिस्से पहुंचे हैं और इसके अलावा हमारे बीच में उनको उनके अकाउंट में इसमें कोई सीधे पुरस्कार नहीं दिया जाता है, नकद धनराशि ऑफिशियल्स को भी और उनको भी। पूरी प्रतिद्वंदिता बेहद रोमांचक स्थिति। शताब्दी एक्सप्रेस से कम नहीं था। फिर भी सेकंड है वो, सेकंड है। भाई वाह भाई, एक हाथ का प्लेयर है देखो। इधर 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 को सीधा करो, इसे चेक को सीधा करो। तुमको विजय नहीं है ना, इधर जी सर, बहुत ही बेहतरीन एक हाथ है जी इसके, लेकिन इसका जज्बा देखो जी जोश। भैया ये एक हाथ नहीं होने से परेशानी नहीं होती है, होती है ना, इसमें बनाने में परेशानी होती है ना। नहीं नहीं, अभी खेल के बाद भैया जोरदार ताली भाई। भैया कहाँ से मिले? कहाँ रहते हो?
देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के सर्वाधिक वैचारिकता के प्रमुख और राष्ट्र निर्माण के अभिनेता थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए, एक समरस समाज की रचना करने के लिए और समाज के बीच में जितना भी द्वेष, बैर और विभिन्नता है उनको दूर करने के लिए एकात्म मनोदर्शन की स्थापना की थी। आज उनके विचारों की सरकार है और नौजवानों पर दीनदयाल जी का बहुत लगाव होता था और उन्हें वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में उनके वार्षिक उस पर शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की है। आज मैं इन बच्चों के बीच में हूँ। इन बच्चों का जो उत्साह है इस ठंडक के बीच में भी, ये मन में एक अलग प्रकार का उत्साह भरता है कि देश का एक बहुत बेहतर भविष्य का सपना हम देख सकते हैं और आने वाला भारत पहले से और अधिक सफल, विजेता और पूरी दुनिया में अपना स्थान बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड हेल्प डेस्क को किया गया स्थापित। बाहर से आने वाले यात्रियों का किया जा रहा है कोविड जांच। लोगों को मास्क लगाने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। पूरे देश और दुनिया में खुशियों और उल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। मसीही समाज के लोगों ने चर्च में की प्रार्थना, एक दूसरे को केक खिलाकर कहा मेरी क्रिसमस, कहा सभी लोगों की गलतियों को अपने अंदर समाहित कर प्रभु यीशु ने समाज को दिया एकता का संदेश। सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व MLC विनोद पांडे ने कहा पोखरण परमाणु परीक्षण कर देश को शक्तिशाली बनाने में अटल जी का रहा है बहुत बड़ा योगदान। सेंटा का नहीं संतों का देश है भारत। बच्चों को कार्टून सेंटा के रूप में बनाने का कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा अनादिकाल से संत परंपरा का वाहक रहा है भारत। बच्चों के परिवार वालों से की अपील, अपने बाल बच्चों को भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शहीद भगत सिंह आदि बनाए ना कि सेंटा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कुछ आश्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कुछ रोगियों में फल व मिष्ठान वितरण कर मनाया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेशीय सीनियर महिला पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ समापन। विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व नगद धनराशि देकर किया सम्मानित। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।